जो किसान के लिए जो कृषि माप मान चल रहा है तो बहुत रोड मैप सरकार का ही प्राथमिकता है। बिजली के विषय में हमारे नीतीश जी बोले थे कि घर घर बिजली नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। उसी गोल लगातनी समाचार बटुए चौगाई से खबर के हेडलाइन सुनिए। होली मिलन समारोह के भइल आयोजन, MLC राधा चरण सेठ भइनी शामिल, खबर का बटुए विस्तार से जानी। चौगाई में जदयू के वरिष्ठ नेता सीताराम सिंह के अध्यक्षता में होली मिलन समारोह के आयोजन कैल गई। यह होली मिलन समारोह में प्रखंड के जितना भी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि बाड़े सब कोई शामिल भइल। ये होली समारोह में जदयू के वरिष्ठ नेता सीताराम सिंह अध्यक्षता कैनी, पिंटू सर मंच के संचालन कैनी, राजकुमार जी भी मंच के संचालन कैनी। यह कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख ऋषिकांत सिंह, नचाब पंचायत के मुखिया वीर सिंह, मुरार के श्रवण कुमार और मसरिया पंचायत के मुखिया मनोज राम सहित तमाम जनप्रतिनिधि शामिल रहे। कार्यक्रम के मूल उद्देश्य रहे कि कवना तरीका से लोग के बीच जाके अपन बात कहल जा सके। राधा चरण सेठ कहनी कि ये होली मिलन समारोह के दौरान ही मिले जुले के हमने के कार्यक्रम भी चल रहा बटुए, ताकि आवे वाला MLC के चुनाव में नीतीश कुमार के हाथ मजबूत। यह कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता शीला त्रिवेदी साथे साथे अन्यू मारा, एकरा अलावे जदयू के अन्यू मारा बाड़ी, एकरा अलावे रोरा सबके जानकारी खातिर बता दिया कि चुन्नू सिंह भी एक कार्यक्रम में शामिल रही। अगर गिनती कही जाओ तो गिनती कम पड़ जाइए से कि NDA गठबंधन के टोटल पदाधिकारी यह कार्यक्रम में शामिल रहे लोग। यह दौरान MLC राधा चरण सेठ कहनी कि जितना भी हमारा फंड में पैसा आवेला ओकर विकास खातिर हम कार्य करीला, रामायण सर्किट ले आवे के काम होखो या फिर भी बक्सर के विकास के काम होखो हम लगातार प्रयास कैले बानी, आवे वाला समय में हम इतिहास बनावे जा रहल बानी। यहाँ के कहनी कि विपक्ष पे भी निशाना साधनी, विपक्ष पे बोलनी कि बाउंसर और डांसर लेके चले वाला कबो जीत ना सकेला। रउरा सबके बता दी कि राजद के कोटा से अनिल सम्राट MLC के प्रत्याशी बनी, जरा पो अपरोक्ष रूप से हमला बोलनी। भोजपुरिया समाचार पूछल कि रउरो कार्यक्रम में पवन सिंह के डांस भइल रहे, यहाँ के का कहनी सब कुछ भोजपुरिया समाचार दिखाई। रउरा सभे के बता देव कि यह कार्यक्रम में कतवारू सिंह भाजपा के नेता भी उपस्थित रही, एकरा अलावे वीरेंद्र सिंह जो कि विधायक रह चुकल बानी जदयू में बानी वहाँ के भी शामिल रही। तो सारा कुछ भोजपुरिया समाचार देखा रहल बटुए लाइव। एकरा अलावे रोरा सबके बयान सुनावे जा रहल बटुए MLC राधा चरण सेठ के, कड़ा सवाल रोरा खबर के अंत तक देखब, देखला के बाद लागी कि वाकई सवाल के बौछार कैल गई बटुए। तो भोजपुरिया समाचार चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो बेल आइकन के बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, अधिक से अधिक शेयर करी। तो सुनी साहब, आपका कार्यक्रम हर जगह हो रहा है और जगह जगह कार्यक्रम कराने का मूल उद्देश्य क्या है? जनता को आशीर्वाद लेना मुख्य उद्देश्य है, अपने सरकार का विकास का जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाना मेरा उद्देश्य है। जो NDA सरकार का जो 15-17 साल में विकास किए हैं, बिजली के, रोड के, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसको जनप्रतिनिधि अच्छी तरह जानते हैं। हम तो गिनवाते गिनवाते थक जाएंगे, हमसे ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन तो भी औपचारिकता जो चुनाव में चल रहा है मिलने जुलने का, इसी बहाने हम चुनाव में मिलते जुलते हैं जनप्रतिनिधि से। और जैसे होली मिलन, अभी होली मिलन चल रहा है तो उसमें भी चुनाव का भी कुछ चर्चा हो ही जाता है ना बातचीत में। ये बताइए कि जिले के लिए कोई खास ऐसा जो है उपलब्धि आपने जो किया हो, कुछ किया हो जिले मलई बराज का, जो करीब 54 करोड़ रुपया का मलई बराज का हुआ, रामायण सर्किट के नाम पर बक्सर में हमने दिलवाया है पर्यटन से कम 25 करोड़ रुपया, अपने जिला में भी दिलवाया। सांसद भी कहते हैं कि अब तो किसका क्वेश्चन पर हुआ है वो तो लिखित है, हम कहेंगे तो थोड़े जबानी वाली बात है, लिखित में है कि क्वेश्चन किए हैं किसके क्वेश्चन पर हुआ है। जो आधुनिकीकरण था 40 मिनट हमने विधान परिषद में क्वेश्चन किया, आज करीब 3600-3800 करोड़ का प्रोजेक्ट माने बनकर तैयार है, टेंडर
हो रहा है तो सब हमारे यहाँ भी एमपी कह रहे हैं कि हमारे चलते हुआ है, लेकिन किसके क्वेश्चन पर हुआ है वो तो देखने का बात है ना। वो तो डालिएगा अथी तब पर निकल जाएगा किसके क्वेश्चन पर मैंने हुआ है। मैंने ये कह सकते हैं कि लड़े सिपाही नाम सरदार का, जब एनडीए का सरकार है हमारे सरकार का भी एमपी यहाँ मंत्री है, वहाँ भी मंत्री है, सब लोगों सहयोग से ना विकास होता है। हम कहेंगे अकेले ही हम कर देते हैं उस संभव तोड़े। हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी हैं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, एनडीए का सरकार चल रहा है, एनडीए के सहयोगी हम लोग हैं, तो यहाँ भाजपा के समर्थन से सरकार चल रहा है। आदरणीय नेता आरके सिंह जी हैं, आदरणीय नेता है यहाँ सोनी चौबे जी हैं, सब लोग हम लोग मिलजुल कर ही विकास का रास्ता हम आगे बढ़ा रहे हैं। 12 तारीख को एक डुमराव में प्रोग्राम हुआ जिसमें आपके कार्यकर्ता पर FIR दर्ज कर दिया गया, क्या कहेंगे? अरे वो तो आचार संहिता ही राजनीति करने वाले के लिए सुहाग भाग होता है। आचार संहिता मैंने क्या, आचार संहिता उन लोगों का लगता है जैसे होली मिलन कर रहे हैं, एंटी पार्टी कर कुछ भी कह कर दबाव डाल कर तब वो अपने बदनामी के चलते आचार संहिता में लोग एक तो डाल देता है। जीतने के बाद क्या दीजिएगा? 6 साल हम जीते हैं, ईमानदारी के साथ जनप्रतिनिधियों का सेवा किए हैं, 6 साल में बहुत कुछ अनुभव भी किए हैं। इस बार जनप्रतिनिधि लोग आशीर्वाद देंगे फिर जीत कर जाएंगे, ईमानदारी से उससे बढ़ चढ़ कर हम सेवा करेंगे। बक्सर के लिए क्या देंगे अगर जीतते हैं तो? आज भोजपुर और बक्सर एक ही पार्ट है, पहले तो एक ही जिला ना था, भोजपुर का छोटा भाई ही बक्सर है, तो जब भोजपुर में विकास करेंगे तो यहाँ छूता कैसे रहेगा? अपने फंड में हम 60% आरा को देते हैं या 40% बक्सर को देते हैं, लिखित में एकदम ईमानदारी के साथ। किसानों की समस्या यहाँ पे है, किसानों का समस्या तो हमारे सरकार में जो किसान के लिए जो कृषि माप मन चल रहा है तो बहुत रोड मैप सरकार का ही प्राथमिकता है। बिजली के विषय में हमारे नीतीश जी बोले थे कि घर घर बिजली नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, उसी शपथ पर ये भी चल रहा है कि कृषि घर घर पाए थी हर खेत में पानी नहीं पहुंचाएंगे तो अगला चुनाव में वोट नहीं मांगे जाएंगे, तो ये प्राथमिकता है कृषि के लिए। विपक्ष कहता है कि धनबल और बाहुबल के बल पे MLC का चुनाव चल रहा है। विपक्ष कुछ भी कहे, वो तो बॉम्बे से बहुत बड़ा पार्टी उतार कर रहा है हीरो को। जब धनबल का ही सवाल आता तो टाटा बिरला अंबानी सब लोग वहीं MP और MLA हो जाते। जब तक पब्लिक के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा, कोई एगो वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाएगा। आपके भी कार्यक्रम में पवन सिंह का कार्यक्रम हुआ था अभी कुछ? पवन तो हमारे बच्चा समान है, गोदी में खिलाए हैं, कुछ सोचा कि हमारे चाचा का नॉमिनेशन बिना बुलाए आकर मंच पर आ गया, पहले से हम बुलाते तो प्रचार नहीं करा देते। भाजपा के हमारे माने नेता भी है पवन सिंह। ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में सुशील सिंह का चुनाव करके सीट निकाल लिया गया, यहाँ भी आपके यहाँ कार्यक्रम को तय करके और इस तरह से प्रोग्राम और एथी से थोड़े निकलता है, यही एक तो विपक्षी में खड़ा है बाउंसर और डांसर लेकर चलता है, इससे चुनाव निकलता है। जिनके साथ जनप्रतिनिधि रहेंगे, जिनके पास जनप्रतिनिधि का आशीर्वाद रहेगा, वही ना चुनाव निकालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।